आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ और मैं जब पाली वड़ैच वाइफ ऑफ कर्नल वड़ैच। कर्नल वड़ैच की आप वाइफ हैं। आज आपकी पाली ज़मीन आसमान लॉन्च है। हाँ जी, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है ज़मीन आसमान। ज़मीन आसमान की जो पीपल हु आर मेकिंग दिस दे आर ऑन ज़मीन एंड दे आर अंडर प्रिविलेज वुमेन एंड हु आर वेयरिंग दे आर ऑन आसमान। किनको आप सशक्त करते हैं, किनको आप हेल्प करते हैं ज़मीन आसमान के थ्रू? नहीं, हम ऐसे किसी को नहीं हेल्प करते। इट इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिस तरह से है, जैसे जो वो बनाते हैं उनको हम ना उसका देते हैं लेबर, और लेबर हमारी बहुत ज़्यादा है। जो कि आम जो कमर्शियली काम करेगा ना, ही विल नॉट गिव दैट मच। क्या बनाते हैं आप? मैंने कुछ बहुत सुंदर ड्रेसेस देखी हैं आप। हाँ, बहुत सुंदर क्रोशे सीखे। हाँ जी, आप क्या बनाते हैं, उनको कैसे सिखाते हैं, आप कहाँ सिखाते हैं? जब बॉम्बे में थे ना, हमने बेसिकली किसी को सिखाया नहीं जिसमें ऑलरेडी ये टैलेंट था। उसको मैंने एक नया रुख दिए कि आप ये बनाओ जो कि मार्केट में हम सेल कर सकें, क्योंकि अगर डिज़ाइन नहीं अच्छा होएगा सिटी सेल नहीं होगी। कलर कॉम्बिनेशन एंड द डिज़ाइन विच सेल्स इन द मार्केट। ठीक है, तो कहाँ बनाते हैं आप, कहाँ बेचते हैं? बॉम्बे में तो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर, और ये राबिया ये हमारे साथ ये धागा देती है उनको जाके। मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग करती हूँ। आप डिजाइनिंग करते हैं और वो बनाते हैं वो स्लम एरिया में बॉम्बे। और फिर आप उसे सप्लाई कहाँ करते हैं? मार्केट तरुण तहलाने को सप्लाई किया। तहलाने डिजाइनर हैं जो, वेस्ट डिजाइनर। हाँ, तो उनको आपने सप्लाई भी की है? सप्लाई की, और बड़े बड़े स्टोरों में मैंने सप्लाई की। कितने साल आंटी आपको हो गए हैं इसको डिज़ाइन करते, कितने सालों में लोगों के साथ जुड़े? 30 साल 40 साल। और जो वेलफेयर था वो तो जब से मैं मैरिड हूँ उनके साथ आई एम डूइंग वेलफेयर। तो लाइफ में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे आप रहते थे पहले, शादी से पहले कहाँ रहते थे आप? आई वॉज बॉर्न इन लाहौर। हाँ, बट वो मेरे को मेमोरीज इतने वो याद नहीं है, बस यंग है। तो फिर मेरी स्कूलिंग देहरादून हुई। अच्छा, और कॉलेज दिल्ली। लाहौर से आपकी फैमिली जो देहरादून शिफ्ट हुई? नहीं, वो जलंधर है। जलंधर। आई वाज इन हॉस्टल इन देहरादून। नो, आई वाज मिशन स्कूल। मिशन स्कूल। तो आपने वहाँ पे डिसिप्लिन तो वहाँ ही सीख लिया होगा, या कर्नल फैमिली में आने के बाद डिसिप्लिन सीखा? नहीं, असल में हॉस्टल में और मिशनरीज से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सीखा। जो वेलफेयर उनके में है ना, वो वहीं से मैंने देखा कि कितना करते हैं वो सबके लिए। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पड़ाव है वो कौन सा मानते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कि आई वॉज मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। टू एन आर्मी ऑफिसर। टू एन आर्मी। वो इक्वली डिलाइटेड फील करते हैं? यू कैन आस्क हिम। उनसे पूछ लेते हैं, बिना ये करना था प्लीज जरा फीचर अंदर आ जाइए लाइन में। इमोशनली बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे पैशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने पैशन को बढ़ावा दिया। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? आपसे जय हिंद ही बनती है। जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? फिर फाइन, आई लव माय वर्क, आई लव एंड आई लव व्हाट शी क्रिएटेड, अप्रिशिएट व्हाट शी क्रिएटेड। विद द एज ऑफ दिस 82 शी इज अ पैशन टुवर्ड्स देयर वर्क। The way she goes around to her worker, meet her family. She is multi-talented lady. And she learned right from young age how to give in charity, how to look after people, how to look after old lady. I think she studied in AP Mission School in Dehradun, the missionary school. That also taught her posted something to do for the proper man. Dare to ask uncle, aap ki love marriage hai kya? तो हम लोग ऐसे ही आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं आपसे, और आपकी कलेक्शन जरूर देखना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आपकी कलेक्शन पहले। ठीक है जी, आपसे हो गई हमारी ढेर सारी बातें, ढेर सारी बातें और nice बड़ी मीटिंग। यू नाइस मीटिंग। हमारा प्लेजर है सर मैम आपसे मिलना।